ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का हमारा टास्क है टू रीड श्लोका नंबर 21-23। आप सभी का इस भागवतम रीडिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये जो तीनों ही वर्सेस हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मोर ओवर दे आर लेंथी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। भारः परं पट किरीट जुष्टा, भारमं पारं पट किरीट जुष्टा, अप्युत्तामांगं नान नमेन्मुदं मुकुन्दम्, अप्युत्तामांगं नान नमेन्मुकुन्दम्, चावो करो नो कुरुते सर्पयामा, हरि लसत् कांचन कंकणो वा, हरि लसत् कांचन कंकणो वा। थैंक यू। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे चमकते चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के समान है। हम मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराजी। तो तात्पर्य जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं कृपा करके अपना हैंड रेज करें। यस अनुराधा माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तात्पर्य जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतः ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त है और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आकर प्रचार कार्य करते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्चना विग्रह के समक्ष झुके। भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों ना हो,
भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वो महान राजा तथा सम्राट ही क्यों ना हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में भगवान पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बनावा ना मान, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में अपने शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अति कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे ये जान लेना चाहिए कि उसकी ये पगड़ी या मुकुट उसे भगवान में डुबाने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियम के पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसे बीमारी आ घेरती है, तो वह इष्ट विहीन व्यक्ति के भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रवृत्ति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय ना मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। ओडिशा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र, यद्यपि राजा के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव ये है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनाती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया कि उनके सामने उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में ना घुस पाया। अंत में महाराज प्रताप रुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य के ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष को स्त्री के हाथ में सोने के कंकड़ क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से ही करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी इसमें समझा दिया है, तो बहुत कुछ ऐड करने को है नहीं। एक्चुअली आई यूज द रॉन्ग वर्ड ऐड। इट्स लाइक कि हमने उन्हीं से सुना है और उसी को हम एक बार रिहाइड्रेट करते हैं। इट्स नॉट एडिंग। सो आइडियली जैसे प्रभुपाद ने स्टार्ट किया और जैसे प्रभु जी बताते भी हैं कि वो इनिशियली जो एक दो लाइनें होती हैं उसी में पूरा क्रक्स प्रभुपाद समझा देते हैं कि जहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार करने हेतु द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ये तीन श्रेणियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला जो है दैट इज महाभागवतम, महाभागवत भक्त, जो कि प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जन जन में केवल भगवान को ही देखते हैं, है ना, जो गुरु महाराज लेवल के लोग हैं। तो ये जो लोग हैं ये भगवान के अलावा इनको कुछ नजर ही नहीं आता। तो अब किसको प्रीच करें और किसको ना करें, बिकॉज एवरी वन सीम्स अ डिवोटी टू देम, बट समटाइम्स वो उनको सेकंड जो कि कैटेगरी है जो कि भक्तों और भक्तों में अंतर कर रही है। जब हम अंतर करेंगे तभी तो हम प्रीच करेंगे, नहीं तो हम भक्तों को ही वापस से प्रीच नहीं कर सकते, है ना। जो ऑलरेडी भक्त है हम उसको वापस से प्रीच कैसे करेंगे कि आप भक्ति में आ जाइए, आप चैंटिंग शुरू कीजिए, राइट। सो दोज ऑल थिंग्स हम जो हैं भक्तों में जब अंतर देखेंगे तभी तो हम उनको प्रीच करेंगे। सो दैट इज द रीजन समटाइम्स जो प्रथम श्रेणी का भक्त है वो भी डिफरेंस को देखना शुरू करता है एक भौतिक दृष्टि से। इंटरनली उसको सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल ही नजर आते हैं। सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था जो प्रभुपाद ने हमें समझाने के लिए लिखा है। और दूसरी चीज, हमें
सभी श्रेणी के भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है, राइट? क्योंकि अगर हम नहीं श्रवण नहीं करेंगे तो सबसे पहली जो सीढ़ी है भक्ति की, हम उसी पे नहीं जा पाएंगे। और श्रवण करने के लिए अगेन एंड अगेन प्रभुपाद इज सेइंग प्रामाणिक। तो हमें ये चेक करना होगा कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स और एक के बाद एक पॉपअप होते जाते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि कौन सा प्रामाणिक है और कोशिश करना चाहिए कि उन्हीं से सुने। समटाइम्स पीपल में फील कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इस्कॉन वाले कहते हैं नहीं जी आप तो हमारे ही सुनो। ऐसा नहीं है। डिफरेंस जो है वो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी ने अपने एक बुक में लिखा है और उसमें वो बताते हैं कि इट्स जो अभक्त के द्वारा स्पर्श किया है, चाहे वो पवित्र वस्तु भी है, वो जहर के समान हो जाती है और जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। सो अपनी भक्ति लता को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई राजा भी है, मतलब एक हम जैसे लोगों का तो कहना ही क्या, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ इन टर्म्स ऑफ वेल ना जो वेल्थ है, लेकिन अगर कोई राजा लेवल का भी कोई पर्सन है, he is carrying crown on his head, वो अपने सर पे मुकुट पहन रहा है, तो भी उसको भगवान के आगे सर झुकाना चाहिए। और अगर वो नहीं झुकाता तो उसका वो सब कुछ वेस्ट है। उसका वेस्ट इसलिए है और वो बर्डन बन जाएगा। क्यों बर्डन बन जाएगा? क्योंकि जैसे हमने ही कुछ बोझ अगर सर पे उठा रखा है, हम उसको बहुत देर तक उठा नहीं पाएंगे। सो वेरी सून इट्स गोइंग टू एंड, बहुत जल्दी ही उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान के आगे अपना सर नहीं झुका रहा है आउट ऑफ हिज ईगो। जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, मैंने इनका लेक्चर सुना था, रावण का एग्जाम्पल वो कोट करते हैं कि रावण बहुत पफ्ड अप था, उसको पता था तो भी वो भगवान के आगे सरेंडर नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज ईगो एंड बींग पफ्ड अप कि मैं कुछ हूँ। तो जो भगवान के आगे सरेंडर नहीं कर रहा है तो उस ऑब्वियसली उसका जो जो ऐश्वर्य है, जो उसका जो सिंहासन है, जो उसका मुकुट है, वो बहुत जल्दी उसको छोड़ के जाने वाला है। और हमने ये देखा है ना, हिस्ट्री इस चीज का प्रमाण है कि हमने देखा है कि कोई भी नेशन है, कोई भी एम्पायर है, अगर वो पफ्ड अप है और भगवान के आगे नतमस्तक नहीं है तो बहुत जल्दी उसका विनाश हो जाएगा। रावण माता सीता को हु इज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी को सब चाहते हैं, है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम नारायण को नहीं चाहते। तो यही माया है और जब ये माया घेर लेगी तो फिर वहां पे उसका विनाश होना श्योर है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है यहाँ पे महाराज रुद्र प्रताप रुद्र का, कि उन्होंने राजा होते हुए भी, और ये प्रथा आज तक भी चली आ रही है कि जो रथ यात्रा होती है उससे पहले राजा स्वयं अपने हाथों से रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, क्लीन करते हैं। तो राजा होके भी वो भगवान की परम श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं और यही इस वर्स का जो है कंप्लीट लेसन है वो यही है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भले ही धनी पुरुष की स्त्री में हाथ में सोने के कंगन क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। वी कैन डिप्लॉय कोई मेड रख सकते हैं, कोई मंदिर की सेवा के लिए हम कोई पुजारी रख सकते हैं, अगर कोई बहुत ही रिच है और उसके घर में टेम्पल है तो ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, वी आर फीलिंग दैट वी आर समथिंग और हम भगवान के आगे जो है समर्पण नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल इट मे बी, बहुत अच्छे कंगन किसी ने पहन रखे हैं, बहुत खूबसूरत सजा रखा है खुद को, है ना, तो भी उसका कोई फायदा नहीं। इट इज इक्विवेलेंट टू अ डेड बॉडी जो कि जिसमें अलग अलग अलंकार लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम भगवान की अनादर करते हैं, है ना, उनके विग्रह का, उनके ईश विज्ञान का अनादर करते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसको भगवान के नियम जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो प्रभुपाद बता रहे हैं मस्तिष्क शून्यता, ये एक तरह की डिसऑर्डर होता है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस करके, इसमें क्लॉट आ जाता है और इंसान का जो भी याददाश्त है वो चली जाती है और क्लॉट की वजह से वो कुछ भी रिमेम्बर नहीं कर पाता है। सो इसके बिना क्या है, अगेन उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक बोझ तुल्य हो जाता है। सो इसको इस वर्स में हमें ये देखने को मिलता है। तो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्स नंबर 22। ममता माता जी,
Yes, Mamata Mataji, please unmute yourself and read. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Bahiryate te nayane naranam ligangani Vishnu na nirakshita ye pade nanam to brum janm bhajo chetrani na anuvarjate hare yo. जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहां भगवान का स्मरण किया जाता है वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तात्पर्य विशेष रूप से ग्रस्त भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्तुति की गई है जहां तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की या नरसिंह वराह गौर निताई मत्स्य कूर्म शालिग्राम शिला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम केशव अच्युत वासुदेव नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है उनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल रात्रि का निरंजन अर्चन पूजा कीर्तन श्रृंगार भोग वैकाली संध्या आरात्रि का पाठ भोग रात्रि का शयन आरात्रि का इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह के पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थी को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसीखे भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रमाणिक गुरु का बखान किया है और उन श्लोकों में से एक किस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्यनान श्रृंगारात मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्तांश नियोत्तपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वे श्रृंगार द्वारा अथार समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अथार मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करें। गुरु नव दीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाता है और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीत में कीर्तन व शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा स्रोत रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहाँ उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हो। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए जहाँ ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण सर गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज उठाएं। मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से ना करें अपितु उन्हें भगवान के दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति
के मार्गदर्शन में करें वह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का श्राप दिया। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्य द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह ना हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। और इस पर्पट में हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने कितने अच्छे से हमें समझा दिया है कि अर्चा विग्रह की पूजा कितनी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे ये कोट करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग का पहले जो फीमेल्स होती थी दे यूज टू बी वेरी बिजी। उनको इन्हीं सब चीजों में बहुत एंगेज करके रखा जाता था क्योंकि बाय नेचर जो उनको कहा जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर नेचर। उनका नेचर जो है बहुत ही ज्यादा चंचल है। कहते हैं कि चंचल नेचर होती है फीमेल्स की। सो बहुत सारे तीज त्योहार और भगवान की सेवा और व्रत पूजा आप देखते हैं फीमेल ज्यादा करती हैं। उसका रीजन ये है कि इन सब चीजों से क्या होता है कि उनकी बुद्धि जो है वो धीरे 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 व्यवसायिक बुद्धि बनती है और भगवान की तरफ ही लगी रहती है। विच इज आइडियल फॉर एवरी वन बट स्पेशली फॉर गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि पुरुष का चिंतन जो है वो स्त्री में रहे और स्त्री का चिंतन पुरुष में या बच्चों में ही रहे। नहीं, ये भी एक आश्रम है जैसा कि हम सब जानते हैं और हमने इतनी बार लेक्चर्स में और इवन श्रीमद् भागवतम में और गुरु महाराज के लेक्चर्स में हमने सुना है कि गृहस्थ आश्रम जो है दैट इज वेरी पायस और वो भी एक तरह से हमें तपस्या के लिए ही मिला है ना। तो हमें वो तपस्या कैसी करनी चाहिए क्योंकि इजीली मन नहीं लगता तपस्या में। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर में एक मंदिर बनाएं। जैसा कि मैं देखती हूँ बहुत सुंदर सुंदर डीटीएस हैं आप सभी भक्तों के पास, तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे भगवान के जो फॉर्म्स हैं वो बताए हैं। तो बिकॉज क्योंकि कृष्ण ही जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है, उसके अलावा हम इनमें से किसी भी फॉर्म की सेवा कर सकते हैं। और स्पेशली विशेष रूप से कलयुग के लिए गौर निताई की सेवा बताई गई है ना। और ये बताया है प्रभुपाद ने कि बहुत अच्छे से नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जब हमारे पास इतनी एंगेजमेंट होगी तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि हम इधर उधर का म्यूजिक सुनना और टीवी में टाइम वेस्ट करना और इधर उधर की जो हम जिसको हम प्रजल्पा बोलते हैं, गप्पे लगाना, किसी की चुगली निंदा करना, उन सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। क्योंकि हम भगवान की जब सेवा को अच्छे से करेंगे तो हमारा पूरा परिवार उसमें एंगेज होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक डिवोटी फैमिली बनेगी। और यही प्रभुपाद का जो है इच्छा थी जिसपे हमें चलना चाहिए कि हम एक डिवोटी फैमिली बने और अपने आचरण से हमें प्रीच करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा जो रेफरेंस आया है कि जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गुरु अष्टकम की रचना की है, जो सुबह सुबह हम मंगल आरती में गाते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो युक्तस्य भक्तान शनियंजतो भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत ही ध्यान देने की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो गुरु हैं वो स्वयं ऐसा करते हैं, है ना, मंदिर मर्जन और विभिन्न अलंकारों के द्वारा श्री विग्रह की पूजा। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, जो नौसिखिए जो हमारी तरह जो नए नए भक्त होते हैं वो सीखना चाहते हैं इस विधि को, तो बहुत प्रेम से उनको भी एंगेज करते हैं इस भक्ति में, इस तरह की जो विग्रह सेवा है उसमें। तो इसलिए हम अपने गुरु इज नॉट फॉर अ सिंगल गुरु। गुरु का मतलब है जो भी हमारी गुरु परंपरा चली आ रही है, हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल भाषा में प्रभुपाद ने समझा दी है, वो ये है कि अगर कोई टेम्पल एस्टेब्लिश करता है ना, हम देखते हैं बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं लेकिन वहां पे बहुत अच्छे से सेवा नहीं हो पाती, तो ये भी एक तरह से अपराध है।
जिसको हम विग्रह अपराध बोलते हैं। तो इससे भी हम गृहस्थों को बचना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर में एक टेंपल बनाएं और हम उसमें धीरे धीरे अपने परिवार को एंगेज करें, बिकॉज हम सब चाहते हैं, इस कलयुग के प्रभाव से हम सब परेशान हैं, और दैट इज द रीजन आज हम इस कक्षा में बैठे हैं और भागवतम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद के वचनों को हम अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि कलयुग के प्रभावों से हम सब परेशान हैं और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी भक्ति में आए और हमारे परिवारजन भी इस कलयुग के प्रभाव से बचकर वो धीरे धीरे भक्ति में आए, है ना। तो हम मंदिर की स्थापना तो कर लें, लेकिन उसको अच्छे से अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो वो अपराध है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसका फिर मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद का हमें यहाँ देखने मिलता है कि हमें पवित्र स्थानों पे जाना चाहिए। उसमें जो श्लोक का स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि जो भगवान के रूप को देखना नहीं चाह रहा है, या कम अब पहले भक्ति में आने से, अभी भी इतना भक्ति में आए तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे, मैं ये बोलूंगी, इस्कॉन में आने से पहले समझ में नहीं आता था कि हम जाके टेम्पल में करें क्या। जाके देख लिया, प्रणाम कर दिया, आरती आ गई तो आरती ले ली, कोई पैसा दिया तो वो चढ़ा दिया, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें ये भी नहीं पता था कि भगवान के आगे खड़े होकर हमें करना क्या चाहिए, हमें उनसे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनसे कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो वो सब चीजें प्रभुपाद ने हमें सिखाई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के रूप को, उनके नाम को अगर हम नहीं निहारते, आज हमें डीटीज में डिफरेंस नजर आता है, है ना। मैं देख रही थी अभी किसने बहुत अच्छा नटवर भगवान का डीटी पिक्चर शेयर किया था, तो उसको हम लोग देख रहे थे इतने ध्यान से कि भगवान कैसे रख कर रहे हैं, उनकी मुद्रा कैसी है। तो अगर इससे पहले भी आंखें थी, लेकिन हम आंखों को जो भौतिक दृश्य है उनको देखने में लगाते हैं, सिंगापुर बहुत खूबसूरत है, यूरोप बहुत सुंदर है, है ना। तो अब हम भगवान के विग्रह को जब देखेंगे तो एक्चुअल हमारी जो आंखें हैं वो अपने जो उनका एक्चुअल पर्पस है उसके सदुपयोग में आएंगी, है ना। इससे पहले तो नहीं आ रही थी, और वो बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे मोर पंख पे कुछ अंकित हुआ हुआ है या एक ड्रॉइंग बनाई हुई है, वो वैसी ही आंखें हैं। वो एक्चुअल में जो उनका पर्पस है दे आर फेलिंग इट, तो वो आंखें है ही नहीं। और इसी तरह से अगर कोई पवित्र स्थानों पे जाने की इच्छा नहीं रखता, यात्राएं करने की इच्छा नहीं रखता है, धाम पे जाना नहीं चाहता है, तो वो भी एक तरह से जैसे भगवान ने पेड़ बनाए हैं, उनके तने हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो चल फिर नहीं सकते। तो ऐसे इन मनुष्यों में और ऐसे पेड़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमें समझना होगा। और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने यहाँ पे धाम अपराध का हमें बता दिया कि हमें धाम यात्रा करनी तो चाहिए, लेकिन किसी वरिष्ठ वैष्णव या गुरु के निर्देश अनुसार, जैसे वो हमें डायरेक्ट करें, बेस्ट तो है कि उनके साथ ही करें। इससे हम धाम अपराध से बचते हैं, क्योंकि इन पवित्र स्थलों पे जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की है, इसमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, और वहां पे जाके हमें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या घूमने फिरने के, अरे मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं और यहाँ पे आके अगर हमने दूध छाछ लस्सी नहीं पिया तो फायदा ही क्या वृंदावन आने का, तो ऐसी मेंटेलिटी को घर पे रख के जाना चाहिए, अदरवाइज वो धाम अपराध होगा। जिस तरह से धाम पे जाके पुण्य करने से, चैंटिंग करने से हमें बहुत कई गुना फल मिलता है, उसी तरह से अगर हम धाम पे जाके अपराध करते हैं तो उसका अपराध भी हमें कई गुना मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस वर्स वेरी ब्यूटीफुली ममता माता जी। नेक्स्ट आरती माता जी पढ़ लीजिए प्लीज। जी माता, हरे कृष्णा माता जी। Yes, Mataji. जीवन शवो भागवतंग्रीरिनम नाजतो मर्त्यो विलापितयस्तु श्री विष्णु पाद्य मनुजस्तु लस्य श्वशन शवो यस्तु न विध भंदम। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं, वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। तात्पर्य, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है।
जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो वह ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए ना मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूली को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है जो महाराज रघुघन ने परम संत छड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने नियमानुसार उत्तर दिया भागवत 5.12.12 हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूली से संपूर्ण शरीर के पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती। ये तपस्या वैदिक पूजन विधि संन्यास ग्रहण गृहस्थ के कर्तव्य पालन वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलतः कृष्णा को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्णा कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतः भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी वृत पदल पद कमलयो द्रास दासनु दास अर्थात वृंदावन में गोपाल वालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचते, अपितु वह भगवान के दासों के दास के को प्रसन्न करके करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण जी की प्रधानी शक्ति श्रीमती राधा रानी जी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पुण्य की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के स्वरूप के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जी से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज ना करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षक गुना जागृत हो उठेगा। हरे कृष्णा माता जी। अगेन वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो टाइम हो चुका है सच, लेकिन मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी बिकॉज आप सबको ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा और इसके बारे में बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि जिस व्यक्ति ने भगवान के शुद्ध भक्त की, ऐसा नहीं बोला कि भगवान की चरण धूली, भगवान की चरण धूली इज नॉट सो इजिली अवेलेबल, वो तो
मिलती ही नहीं है। इनफैक्ट शुद्ध भक्त की चरण धूलि के लिए भी बहुत बहुत सौभाग्य होना चाहिए। तो अगर उसने वो अपने मस्तक पर धारण नहीं की है तो निश्चित रूप से वह शव के समान है। मतलब ऐसे व्यक्ति का जन्म क्या और मृत्यु क्या। और जिस व्यक्ति ने श्री भगवान पर चढ़े हुए तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के समान है। और यहाँ पे उसको एक उपमा दी गई है जो कि प्रेत बोला गया है। प्रेत एक योनि है, जब मनुष्य मर जाता है तो मृत कहलाता है, लेकिन अगर उसकी हमें वो दिखाई नहीं देता लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में रहता है उसको प्रेत कहा जाता है। तो ऐसे प्रेत जो होते हैं अत्यंत प्रेत योनि उसको मिलती है जो बहुत ही बुरे तत्व होते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भगवान जो है वो सीधे सीधे किसी की भेंट स्वीकार नहीं करते और अशुद्ध प्रेतों की तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पे प्रभुपाद एक कोट दे रहे हैं कि प्रेयसी के प्रति संभाव दिखाने से पहले, जो हमने सुना हुआ है कि लैला प्यारी तो लैला का कुत्ता भी प्यारा, तो दैट इज ये एक तरीका है जिसको भी हम प्रेम करते हैं। तो इसको हमें लिटरल फॉर्म टर्म्स में ना लेते हुए ऐसे समझना चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसके संबंधित वस्तुओं से भी प्रेम करना, इनफैक्ट पहले प्रेम करना पड़ता है। कभी भी कोई भी फीमेल का जब विवाह होता है तो केवल पति से प्रेम करके काम नहीं चलेगा, है ना। तो उसको उसकी माता से, पिता से, सबको अपना समझना होगा और तब जाके उसको अल्टीमेटली जो पति प्रेम है वो मिल सकता है। इसी तरह से भगवान की जो भक्ति है उसकी भी पहली शर्त यही है कि शुद्ध भक्त का दास होना। और ये हम भागवतम में देख रहे हैं कि अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं और उनकी चरण धूलि धारण करते हैं तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो समझ नहीं पाते इस चीज को कि बार 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 ये गुरु शिष्य परंपरा की और भक्ति परंपरा की जो बात की जा रही है इसको फॉलो करके ही हम भगवान तक पहुंच पाएंगे, है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अब विवाह में हम लोग बिलीव करते हैं कि विवाह जो है एक वैदिक रिचुअल है, एक वैदिक संस्कार है, उसमें तो हम बिलीव करते हैं, लेकिन जो बाकी वेदों का पाठ है हम उसको बिलीव नहीं करेंगे। मतलब हम भागवतम पढ़ रहे हैं और भागवत जो है उसको अगर हमें ग्रहण करना है तो हमें उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा। और भागवत का ये संदेश है कि हमें शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो बात है, ये जो कथन है, ये श्रीमद् भागवतम का है। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी अपनाना चाहिए और भगवान की कृपा जब हम कोशिश कर ही रहे हैं, हम उसके उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने का कोशिश कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक प्रॉपर चैनल से चलें। तो यहाँ पे महाराज रघुगण का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने पूर्ण अवस्था, परमहंस अवस्था प्राप्त की थी। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आया है, भगवान कृष्ण अपने मुक्त भक्तों की संपत्ति रूप है। अब जो किसी की संपत्ति है हम उसके ऊपर हक नहीं जमा सकते, है ना, उससे बिना पूछे। तो एक भगवान कृष्ण को एक और टर्म बोली जाती है अकिंचन वित्त, मीन्स वो अकिंचन के वित्त है। वित्त मीन्स धन, अकिंचनों का धन है, जिसके पास कुछ नहीं है भगवान उसके धन है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त है वो ही उनको किसी को दे सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, दासों के दास बनने की कोशिश करनी है, जिस तरह से यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि इसके बिना कोई, वो स्वयं अपने आप को प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं जो कि उन्होंने हमें बताया। वो आए ही इसीलिए थे एक भक्त की फॉर्म में कि वो हमें भक्ति करना सिखा सकें और हमें ये सिखा सकें कि किस तरह से उन तक पहुंचा जा सकता है। तो ब्यूटीफुल वर्स, और यहाँ पे राधा रानी का स्पेशल मेंशन है जो कि मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि मैंने एक लेक्चर में सुना था कि राधा रानी इतनी दयालु हैं कि जब कोई निष्ठावान भक्त, ऐसे नहीं बिकॉज जो भक्त आज है कल नहीं है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वो लोग नहीं, जो निष्ठा लेवल पे आ गया है, और इनको तो माया ही साइड कर देती है जो ऊपर नीचे वाले भक्त होते हैं हम जैसे लोग। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाते हुए हमें निष्ठा के लेवल तक आना चाहिए। और जो निष्ठावान भक्त हैं वो, उनके लिए राधा रानी स्वयं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान ये तो इतना
अच्छा ये तो मेरे से भी अच्छा भक्त है, आप कृपा करके आप इसके ऊपर दया दृष्टि करें, आप इसे स्वीकार करें। तो इस तरह से कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के धन है, भगवान अपने भक्तों के बस में है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी चैनल से जाएं तो हमारे लिए बहुत भगवान जो है सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। तो आज का हमारा टेक अवे यही था इन इन श्लोकों से। तो थैंक यू सो मच, हम सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी अपना अनम्यूट करके एक बार फिर उसी जोश के साथ श्रीमद्भागवतम His divine grace, Prabhupada की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय।